पाशा, ठीक है, सॉरी। मैंने तुमसे जो कुछ भी बोला वो शब्द मैं वापस लेता हूं। रुक जाओ, अपने घर में रुक जाओ। सॉरी बिपाशा, तुम छोड़ के नहीं जा रही हो ना? देखो बिपाशा, अब तो दादा ने तुम्हें सॉरी कह दिया ना, अब तो मत जाओ प्लीज। और आज बिपाशा अल्टीमेटली बाबलू से सबके सामने माफी मंगवा ही ली है। अब वो कभी उसे किचन में तो काम करने के लिए नहीं बोलने वाला। लाल, जा पानी लेकर आ। जी राम। अरे बाबा, इतना गुस्सा नहीं करते बेटा। हाँ, घर में ऐसी बातें तो होती रहती है। शोनाल, शाबाश। लाल, शाब। विपाशा, प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। पानी एक मिनट। चिल्ला चिल्ला के सच में गला सूख गया है तो। बाप रे, कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो तुम। ये सब क्या था बिपाशा? तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारी तरह हूँ? बिपाशा, एक सेकंड के लिए तो मुझे भी बहुत डर लग गया था। आप भी ना काकी माँ, आपको सच में लगा मैं जाने वाली हूँ? जो भी हुआ अच्छा हुआ। पर आज जहाँ लाल को झटका तो लगता है बिपाशा की ये तेवर देखकर, वहीं शुभो और तनुजा को तो जैसे आदत सी हो गई है इन सब बातों की। कम से कम इसी बहाने से दादा बोधी को ये तो समझ में आया होगा कि जब घर की बहू घर के बाहर कदम रखती है तो कैसा फील होता है। पर लाल को तो शायद अब भी झटका लगा हुआ है, बिपाशा तो असली ड्रामेबाज निकली। पर वहीं लालौन भी कमिश्नर से मिलने गया हुआ है और सर बस अभी थोड़ी देर में आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। सर आपको कमिश्नर सामने भेजा है? मतलब आप कमिश्नर सर के रिश्तेदार हैं? नहीं, बस जान पहचान है थोड़ी अपन की। अच्छा, जान पहचान है। अच्छा आप ये बताइए कि आपने कभी इससे पहले पुलिस के साथ काम किया है? नहीं सर, पहली बार है। मेरा नाम है इंस्पेक्टर दीपक बनर्जी। आज यहाँ 10 साल हो गए लेकिन कभी कमिश्नर पोस्ट का कोई दिखा नहीं। यदि हम लोग ये केस क्रैक कर पाए। दोनों देखिए सर। जैन सर। जैन, सॉरी मिस्टर लालन चटर्जी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। मैं एसीपी गांगुली और हमारे इंस्पेक्टर बैनर्जी से तो आप मिले होंगे। सर मैं ऑलरेडी अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। दैट्स गुड। एक्चुअली कमिश्नर सर को अर्जेंट मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको अटेंड करना है। और आज जहाँ लालौन कुछ खास वजह से आया है, वहीं कुछ तो है ये इंस्पेक्टर की बातों में जो आवाज करती है दिमाग में। आप कुछ दिखाना चाहते थे बताइए। जी सर, देखिए पिछले महीने झनक की बॉडी को गाड़ी में डालकर गाड़ी को पानी में धक्का दे दिया गया था और फिर वहां से उसकी जो बॉडी मिली वही सर जिसे अपन ने झनक की लाश मान लिया था। हाँ सर, वो बॉडी गायब हो चुकी है। क्या? कमिश्नर सर ने जांच पड़ताल करने की बहुत कोशिश की लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा सर, सिवाय इसको छोड़ के। सर सर ये वही गाड़ी है और सर अपन ये भी गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ये जो दोनों आदमी है वो मिलकर इस गाड़ी को पानी में धक्का दे रहे हैं। लेकिन ये फोटो आपको मिला कहां से? किस्मत से सर, अपन का एक दोस्त है जो फोटोग्राफर है, उसने ये फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की, बस उधर से अपन ने ढूंढ निकाला इसको। सर मैं ये फोटो देख सकता हूँ? पर अब इंस्पेक्टर बैनर्जी भी देखता तो है फोटो को,
पर कुछ तो बात है जो अजीब है। मिस्टर चटर्जी, आपको यकीन है कि इस फोटो में वही सेम गाड़ी है जिसे उस दिन पानी में धकेला गया था? हाँ, 150%। चेहरा नहीं दिख रहा सर, लेकिन अपुन को यकीन है कि इनमें से एक तेजस है। सर, हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि तेजस उस दिन शहर में था ही नहीं, तो फिर गोल गोल चक्कर काटने से क्या फायदा? सर, अपुन की बात सुनिए सर, उनको पूरा यकीन है कि अगर आप तेजस के एंगल को ढूंढ के निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि तेजस कलकत्ता में ही था, और ये झनक का पूरा हादसा होने के बाद तुरंत कश्मीर भाग गया। आपको क्या लगता है मिस्टर लालन चटर्जी, कि हम लोग यूं ही बोल रहे हैं कि उस दिन तेजस कोलकाता में नहीं था? क्या आप हमारी इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठा रहे हैं? सर, अपन ने ऐसा कब बोला? सीधा सीधा तो नहीं बोला, लेकिन आपकी बातों से तो यही समझ में आ रहा है। सर, आपको जरूर कोई गलत फहमी है। मिस्टर लालन, हम लोग ऐसे काम नहीं करते हैं। यदि तेजस उस दिन कोलकाता में होता तो हम लोग कब का उसे पकड़ चुके होते। रिलैक्स बैनर्जी, रिलैक्स। और अब जाकर बैनर्जी साहब का भी मुंह बंद करवाया गया है, पर लालन भी बहुत घबराया हुआ है ये सबूत को लेकर। हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, और इन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। आप बाहर जाइए, मैं केस को स्टडी करके आपको बाद में ब्रीफ कर दूंगा। यू मे गो। जी सर। प्लीज। हाँ बताइए। सर, यहां से तो मामला और भी पेचीदा होता जाता है। समझा नहीं। जैसे झनक की जुड़वा या हमशक्ल या जो भी आप कहना चाहते हैं, वो कहीं से आ चुके और वो खुद को नूतन बताती। और सर इतना ही नहीं, बल्कि झनक की माँ के जो गुरुजी हैं उनके भी हमशक्ल आ गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? हम सर कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको कि एक तरफ झनक की हमशक्ल, दूसरी तरफ वो गुरुजी की हमशक्ल, और फिर और जहां लालन आज अपने ही तरीके से सारी बातें रख रहा है पुलिस के सामने, वहीं अब घर पर हेलो। नमस्ते वकील साहब, मैं इंस्पेक्टर दीपक बनर्जी। हाँ हाँ बोलो। सर, वो आया हुआ आपके भाई का दामाद, वो लालन स्टेशन में बैठा है। हाँ हाँ जानता हूँ, पहले से बहुत उड़ रहा है। खैर, क्या किया उसने अब? सर, वो इस बात पे अड़ा है कि तेजस उस दिन कोलकाता में ही था। मैंने उसे गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन वो काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा है सर। वो मानने को तैयार ही नहीं है। अभी भी है वो वहाँ? जी सर। सर, मैं कुछ कुछ बोलने लगा तो सर ने मुझे ही वहां से हटा दिया। अब तो मैं उसे हरकाने वाला हूं सर। अगर दोबारा उसने मेरे साथ बदतमीजी की ना सर, वो बच्चा है, उसे नहीं पता कि उसने दीपक बनर्जी के साथ पंगा लिया है। उसके सर पर जितने बाल होंगे ना, उससे ज्यादा तो कांड करके बैठा हूं मैं। एक काम करो, उसे पूरी नजर रखो, किसे मिलता है, क्या बोलता है, कहां जाता है, और मुझे अपडेट करते रहना, ठीक है? जी सर, बात करता हूँ फिर। और शुभो का भी पहुंच किन किन लोगों तक है ये तो तय है। आखिर कानून का रक्षक जब तक गुनेगारों से हाथ नहीं मिलाता तो फिर आगे जुर्म थोड़ी ना होती है। कौन था काकू? दादा एक मिनट। लाल दादा, क्या हुआ शुभो? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जो आपका दामाद है ना, उसे कहिए इस केस से दूर रहे। कौन सा केस? झनक की मौत का केस, जिसमें जबरदस्ती वो सृष्टि को घसीट रहे हैं। अगर लालन खुद उस केस में उलझना चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूं? आप ससुर हैं उसके, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हा? उसको बोलिए काम से काम रखे, ज्यादा हवा में ना उड़े। जितना ऊंचा उड़ेगा ना, उतनी ऊंचाई से नीचे आके गिरेगा। वो क्या करता है और क्या नहीं करता है मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? उसकी अपनी लाइफ है शुभो, मैं उस पर हमेशा नजरे गड़ाए तो नहीं रह सकता हूं ना। दादा, अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको तकलीफ हो सकती है। मतलब? मतलब ये कि जो ललौन है ना, उसने दुश्मन बना लिए हैं, और आप ये समझ लीजिए कि एक दो दुश्मनों ने मुझे चेतावनी दी है। समझाइए उसे दादा, उड़े मत, बाकी आपकी मर्जी है। देखो शुभ, ये ठीक नहीं कर रहे तुम, ये सब गलत है।
दादा ठीक क्या है गलत क्या है वो मैटर नहीं करता, मैं बस आपको वार्निंग दे रहा हूं, समझाइए उसे। और अब शुभो लालौन को घेरने के फिराक में बैठा है, उसे कैसे भी करके अब अपने रास्ते से हटाना है उसे, नहीं तो ये गले का हड्डी बन जाएगा जो निगलते भी नहीं बनता और उगलते भी नहीं। पर चेतावनी दी है शुभो ने तो कुछ तो साजिश वकील साहब के भी मन में चल रही है अब लालौन के खिलाफ। पर आगे क्या होता है ये देखने के लिए आप भी बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि जरूरी नहीं कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, अंदाज बदलकर बोलने से ही बहुत कुछ टूट जाता है।